हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ छोले टिक्की चाट की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 700 छोटे और मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। और यहाँ पे 100 ग्राम हमने काबुली चना लिया है, जिसे हमने 4-5 घंटे पानी में भिगो दिया है। एक नींबू लिया है और 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे छीलकर बॉस कर लिया, और 3 हरी मिर्च लिया है। और यहाँ पे 3-4 कली लहसुन और 1 मिर्च को हमने पेस्ट बना लिया है। और लिया है 3 बड़ा चम्मच दही, जिसमें हम 1 चम्मच चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कुकर लेंगे और उसमें काबुली चना को डाल लेते हैं और 1 गिलास पानी, करीब 250 ml पानी डालते हैं इसमें। और लहसुन और चिली का पेस्ट डाल दिया हमने। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि ये जल्दी से सीज जाए। 1/2 चम्मच हल्दी डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पे गैस पे इसे चढ़ा देते हैं और इसे 6 से 7 सीटी आने तक पकने देते हैं। अब यहाँ पे 1 आलू छोड़कर बाकी 6 आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। देखिए, 1 आलू हमने अलग हटा दिया है और इन सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो छोले टिक्की चाट तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का छोले टिक्की चाट बना रही हूँ। ये देखिए, हमने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे हमने प्याज को भी फाइनली चॉप कर लिया है, मिर्च को चॉप कर लिया है और नींबू को कट कर लिया है। चलिए चलते हैं अब टिक्की बनाने के प्रोसेस में। तो ग्रेट किया हुआ आलू में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और यहाँ पे 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाला है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे ताकि टिक्की हमारा थोड़ा चटपटा बने। और बाकी का धनिया पत्ती हम यूँ ही छोड़ देते हैं। 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। चम्मच से मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे हाथ से इसे मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए, मिक्स करते करते ये एक डो की तरह बन जाएगा। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे 6 पीस में मैं कट कर लेती हूँ, 6 पीसेस बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने गोल गोल 6 पीसेस बना लिया और इस तरह से दबाकर इसे टिक्की का शेप दे देते हैं। सारे टिक्कियों को बनाकर हम अलग रख लेते हैं। और यहाँ देखिए, कुकर ने 6-7 सीटी दे दिया है तो हम यहीं पे गैस को कर देते हैं ऑफ। और जब कुकर ठंडा हो जाएगा तो इसे खोल कर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि छोला सीझा है या नहीं। ये देखिए, अच्छी तरह से उबल चुका है। अब एक तवा को गैस पर मीडियम फ्लेम करके चढ़ा देते हैं। जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इस तरह से चारों तरफ उसे फैला लेंगे। अब देखिए, टिक्कियों को ऊपर से डाल लेते हैं और 2-3 मिनट के बाद टिक्की को पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से ये लाल लाल होकर पक चुका है। अब इसे किनारे में कर देते हैं और बीच में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा कटा हुआ मिर्च डाल लेते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं और इसे अच्छे से भूंज लेते हैं। 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, 2 मिनट हो चुका है। अब इस पे छोला को डाल लेते हैं।
देखिए छोला डालने के बाद स्पेस कम गया है, तो हम टिक्की को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यहाँ पे सारे छोले हम डाल लेंगे। एक मिनट के लिए सौते करेंगे और जो हमने एक आलू छोड़ दिया था उसे हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल लेते हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल लेते हैं और 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल लेते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल लेते हैं और इन सबों को 2-3 मिनट के लिए सौते कर देंगे और इस समय गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये हो गया है तो एक प्लेट में हम 2 टिक्की को निकाले हैं और उसके ऊपर से छोले डाल लेते हैं, उसके ऊपर से थोड़ा सा हरी मिर्च डाल लेते हैं और थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज डाल लेते हैं, स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हमने यहाँ चिली पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच ही जीरा पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल लेते हैं। अब यह सब मसाले स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और यहाँ 1/2 चम्मच चिली सॉस डाला और 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाला है हमने, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला और यहाँ पे 2 चम्मच हम दही डालेंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा सेब या फिर नमक पारा या फिर मिक्सचर डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ मिक्सचर डाल दिया है और ऊपर से नींबू को निचोड़ कर डाल लेते हैं। तो हमने उतना में 3 प्लेट चाट बनाकर तैयार कर लिया है और ये देखिए छोले टिक्की चाट तैयार है। तो आप इसे घर पर बनाइए, खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।